हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पंकज सर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि किस तरीके से ओवरऑल मनी सप्लाई को इकोनमी में कंट्रोल किया जाता है उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं पहला इंस्ट्रूमेंट आता है बैंक रेट बैंक रेट का मतलब ये होता है कि किस रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को मनी देता है लॉन्ग पीरियड के लिए इन्फ्लेशन के टाइम में बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है बैंक रेट बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है जिससे क्रेडिट की डिमांड कम हो जाती है मनी सप्लाई कम हो जाती है मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है डिफ्लेशन के टाइम में बैंक रेट कम कर दिया जाता है बैंक रेट कम करने से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है जिससे क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाती है लोगों के पास पैसा आ जाता है यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है सेकंड इज़ रेपो रेट रेपो रेट का मतलब ये होता है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए मनी देता है इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है रेपो रेट बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो क्रेडिट की डिमांड कम हो जाती है जिससे मनी सप्लाई कम हो जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है डिफ्लेशन के समय रेपो रेट कम कर दिया जाता है रेपो रेट कम करने से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है जिससे क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाती है मनी सप्लाई बढ़ जाती है मनी सप्लाई बढ़ने से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है थर्ड इज़ रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट का अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि किस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करता है शॉर्ट पीरियड के लिए इन्फ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है सेंट्रल बैंक अपने पास पैसा ज़्यादा रखता है कमर्शियल बैंक से बोरो करता है जिसे मनी सप्लाई इकोनमी में कम होती है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है डिफ्लेशन के टाइम में रिवर्स रेट कम कर दिया जाता है जिससे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कम पैसा लेता है जिससे मनी सप्लाई इकोनमी में बढ़ जाती है डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है फोर्थ इज कैश रिज़र्व रेशियो कैश रिज़र्व रेशियो का मतलब ये होता है कि हर एक बैंक को जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे कैश रिज़र्व रेशियो बढ़ा दी जाती है जिससे इकॉनमी में मनी सप्लाई कम होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है डिफ्लेशन के टाइम में कैश रिज़र्व रेशियो कम कर दिया जाता है जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है नेक्स्ट इज स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो हर एक बैंक मिनिमम परसेंटेज ऑफ असेट्स एक लिक्विड असेट्स की फॉर्म में अपने पास रखता है चाहे कैश के फॉर्म में रखे चाहे गोल्ड के फॉर्म में रखे इसको स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे एस बढ़ा दिया जाता है जिससे मनी सप्लाई कम हो जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है डिफ्लेशन के टाइम में एस कम कर दिया जाता है एस कम करने से इकोनमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है नेक्स्ट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि जिसमें सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज़ ओपन मार्केट में होता है आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट के ब्याप पे इन्फ्लेशन के टाइम पे आर सिक्योरिटीज को सेल करता है जिससे इकोनमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है डिफ्लेशन के टाइम पे आर सिक्योरिटीज को परचेस करता है जिससे मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ जाती है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है सो दीज आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू